अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले के विरोध में शनिवार को विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया और इसी कड़ी में होप सर्कस पर व्यापारियों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने दुष्कर्म की इस घटना पर आक्रोश जताया है। और इस दौरान व्यापारी नेता प्रमोद विजय और समाज सेवी डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि आमजन में जन जागृति पैदा करने और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलने के उद्देश्य से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार किस प्रकार दलितों का शोषण कर रही है ये आपको सामने देख। व्यापार संघ में उपाध्यक्ष है, मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच से अपनी बात कहें। श्रीमान बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार किस प्रकार दलितों का शोषण कर रही है ये आपको सामने देख। व्यापार संघ में उपाध्यक्ष है, मैं उनको आग्रह करूंगा। 53 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने विश्व का एक ही धर्म बताया था और वो धर्म है सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। यही धर्म एसपी का है, कलेक्टर का है, पुलिस कर्मी का है, एमपी का है, एमएलए का है, प्रधानमंत्री का है, चीफ मिनिस्टर का है। और अगर हमारे शासक और प्रशासक एसपी कलेक्टर अपने को धर्म को निभाने में नाकाम रहते हैं तो उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकरण के अंदर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा और एसपी कलेक्टर चुनाव की ब्याज देते हुए एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हम चाहते हैं कि दोषी कलेक्टर एसपी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, थानेदार को बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर सीबीआई जांच कर कार्रवाई।